नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार जोशी स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल HN के रिएक्शन में। दोस्तों आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं कि आपको भी जीवन में प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जीवन में हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। लेकिन एक गुरु जी एक ऐसे व्यक्ति है जो बागेश्वर धाम के गुरु पीठाधीश्वर है और गुरु की पदवी वो लेकर के बैठे हैं, श्रीमान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और उसका जो बचपन का दोस्त है उसको उसने कैसे हेल्प की थी, उसकी धीरेन्द्र शास्त्री की जी की बचपन में कैसे उसने हेल्प की थी उसके बारे में वो बताते हैं। और वो बताते हैं तब उसको बहुत करुणा में हो जाते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखेंगे, फिर आपको पता चलेंगे कि कैसा व्यक्ति लोग होते हैं और कैसा होना चाहिए और आपको कैसा जीवन में व्यक्ति को साथ देना चाहिए और कैसा भाईबंद आपको कैसा मित्र बनाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें बड़ी प्रसन्नता भी हमारे परम स्नेही मित्र डॉक्टर शेख मुबारक, जिनकी चर्चा हम हमेशा करते हैं, आज वो भी आए हैं। हमें बड़ी खुशी, इनके मुँह से हमेशा हमने एक भजन जो है सुना है डॉक्टर शेख मुबारक जी से। ये महाराज जी हमारे बचपन के मित्र डॉक्टर शेख मुबारक जी, हम दोनों का बड़ा बचपन में एक साथ बीता और भली भांति ये हमसे परिचित हैं। लगभग 12 साल हमारी मैत्री को हो गया है। बड़ी बात तो ये, इनका नाम डॉक्टर शेख मुबारक है लेकिन इन्होंने हमारी 3 कथाएं अपने गांव में अपने खर्च से कराई। वाह। गांव वालों का सहयोग लेकर भागवत कथा, आज के जमाने में ही नहीं, सन 2011-12 और 13 शायद ये बमीठा चंद्रनगर के पास एक गांव है चुरारन गांव में ये इनका पूरा परिवार रहता। आपको सुनकर के महाराज जी बड़ी प्रसन्नता होगी, इनके घर में वंशानुगत 60 साल से राम नाम संकीर्तन कीर्तन करने की परंपरा है। हाँ, और गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है। उन सबके बड़े अनुयायी, हमारे भी बड़े स्नेही, हमारे तो परम मित्र हैं और डॉक्टर भी हैं, चतुर भी हैं। नंबर अच्छा, बड़ी बात तो ये, जब बागेश्वर धाम कोई नहीं आता था तब यहाँ लाइट भी नहीं थी, तब ये यहाँ आकर के सुंदरकांड का पाठ करने आते थे। आपको क्या बतावे, इन्होंने तो हमारे प्रत्येक पहलू को जीवन को जिया है। महाराज जी ये बेचारा जो है, हम ये यहाँ नीचे पहाड़ के नीचे कोई बना तना तो था ही नहीं, भीड़ उतनी आती नहीं थी, तो बालुओं में लेटे रहते थे दोनों, सोने के लिए भी स्थान नहीं था यहाँ, तो बालू डली थी यहाँ, बालू निर्माण के लिए बालू पर हम दोनों 1 साल तक लेटते रहे रातों भर। बिच्छी सांप बड़ा उधम मचाते थे, लाइट भी नहीं थी, मोबाइल की टार्च से काम चला चला करके सुंदरकांड का पाठ, और रातों भर यही टिक्कड़ बनाए। 2 जन ने टिक्कड़ पाए, इनने हमें चाय बना दी, और ये मोटरसाइकिल से आते थे तो कई बार दूध खत्म हो जाता था, तो ये मोटरसाइकिल लेकर गंज जाते, वहाँ से दूध लाते, फिर चाय पिलाते। हम चाहेंगे पहले इनके मुख से एक गीत, इनका बड़ा अच्छा है तो हम एक गीत सुन लें, इसके बाद पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वचन और वाणी को विराम। आचार्य जी भी आए हैं, हमें देखे देखे लगते हैं, हम परिचय नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, ये आचार्य जी बैठे बिहारी जी हैं। अच्छा अच्छा, हमें ऐसा लगा कि हमने शायद कहीं देखा हो खबर में, ऐसा सकता प्रभु के हम खबर नहीं कहा, लेकिन आचार्य जी भी पधारे, ब्राह्मण देवता भी पधारे, सब पधारे भगवान है। हाँ, और हाँ ये तो बताना भूल ही गए, सच कह रहे हैं साहब, हम हमेशा बोलते थे जो बेटियों का विवाह 1 मार्च को हो रहा ना, ये जरूर ये सबको भेजिएगा, हम सबको बताते ये घटना, हर कथा में बोलने का प्रयास करते हैं। जो 1 मार्च को अथवा 3 साल से लगातार गरीब बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी से बागेश्वर धाम के भक्तों द्वारा करवाया जा रहा, उसकी शुरुआत का संकल्प दास के निज जीवन से शुरू होता है। हमारी बहन जी थी, उनके विवाह में, माता जी भी आज विराजमान है, तो उनके विवाह में पैसा मिल नहीं रहा था उधार, खूब मशक्कत की, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में, जो सबसे खास होता है। और बहन जी के विवाह में धन की बड़ी दिक्कत थी, हम माताजी और पिताजी बैठ करके चर्चा करते थे कि बहन का विवाह कैसे होगा, जो रिश्तेदार मिले थे वो बड़े प्यारे थे,
तो अब उन्होंने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उस जमाने में भी 2-3 लाख का खर्च की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, 1 लाख भी घर पर नहीं था। कैसे हम विवाह करवें, कैसे उपहार में दहेज देवें, यही मन में विचार था। उधारी के लिए जो हमारे परिचित के गांव के लोग थे आसपास के, खूब मांगा, पर उधारी भी आजकल बड़े आदमियों को मिलती है जो चुका सके। सही बात है। भला दीनहीन को उधारी भी नहीं दी जाती, उधारी भी नहीं मिली। राधे राधे। उसी वक्त हमारी इनकी बड़ी मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता। तो फोन एक हमारे पास नोकिया मोबाइल था, पुरोहित कर्म, हम कर्म कांड कथा और दादाजी की सेवा करते थे। हमने इनको फोन लगाया, इन्होंने कहा आप बमीठा आकर हमें मिलो। महाराज जी, हमने ऑटो पकड़ी, हमें आज भी पूरा बाकी है, ज्यों का त्यों स्मरण है। ऑटो पकड़ करके हम बमीठा तक गए। ये अपनी मोटरसाइकिल पर हमें बैठा करके, बमीठा के आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पेट्रोल पंप पे इन्होंने हमें चाय पिलाई। लगभग शाम हो चुकी थी, हमने इन्हें पूरा बाकिया बताया, बहन जी की शादी है और धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, शादी को 10 दिन रह गए हैं, करना है, उधार नहीं मिल रहा है, अगर आप हमारी मदद कर दो तो जैसे भी हम भागवत आदि कुछ करेंगे आपकी चुका देंगे। इन्होंने बिना बेचारे, ये हमको प्रेम में कभी कभी धीरू कहते थे, ये बीच बीच में कभी धीरू भाई अम्बानी, धीरू भाई ऐसे नाम से, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आंखें हमारी डबडबाई तो थी ही, तो हमने कहा कि ऐसी, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और बोले आप चिंता मत करो और हम व्यवस्था कर देते। और महाराज जी, बिना विचार किए इन्होंने हमें जो है दूसरे दिन 20,000 रुपये ला करके दिए। और बात यहीं नहीं रुकी, उपहार की टेबल से लेकर के, बेड से लेकर के, अलमारी से लेकर के, इन्होंने लोगों को जोड़कर पूरा दहेज का सामान ला करके हमारे घर पर रख दिया। अपने हाथों से, जैसे हमारी नहीं इनकी बहन हो, अपने हाथों से पूरा विवाह कार्यक्रम में पंगत से लेकर के विदाई करवाई है। बाद में हम वो रुपया 2 साल बाद चुका पाए, 2 साल का कोई काम लगा नहीं, भागवत लगी नहीं, कथा लगी नहीं। 2 साल बाद जब हमें गुजरात में एक कार्यक्रम लगा, उस कार्यक्रम से हमें दक्षिणा मिली, तो हमने रेलवे स्टेशन से बाद में घर आए, हमने इनको बमीठा बुलाया फोन लगा के और इनके हमने रुपया चुकाए। लेकिन बात यह है कि इन्होंने उस वक्त, उस जमाने में जब मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई जानता नहीं था, आज तो खूब मिल जाए, पर कीमत 20,000 की नहीं है, कीमत समय की है। जिस समय में उन्होंने दिया, आज के शायद वो 20 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए हमने फिर उसी दिन दृढ़ संकल्प कर लिया था कि कभी अगर हम पर बालाजी कृपा करेंगे, कभी अगर गुरु जी की हम पर कृपा होगी, तो हमारे जीवन काल में जो भी धन आएगा उससे अब किसी भाई को हमारे जैसा रोना ना पड़े, उन गरीब बेटियों का और बहनों का हम विवाह करवाएंगे। इसीलिए 1 मार्च को 10-20 नहीं, 108 बेटियों का विवाह बालाजी की कृपा से, हमारी तो कोई क्षमता नहीं, बालाजी की कृपा से 2020 में भी हुए, 2021 में हुए। दोस्तों, वीडियो तो इतना ही था, लेकिन वीडियो देखने के मुझे बहुत मजा आया, आपको भी मजा आया होगा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो बचपन की यादें हैं, और वो यादें जब हम सुनते हैं तो हमको भी हमारी यादें ताजी हो जाती है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का जो बचपन का दोस्त ऐसा मिला है, मैं तो समझता हूँ कि सबको ऐसा दोस्त मिलना चाहिए, क्योंकि कई लोग दोस्त ऐसे होते हैं कि बचपन में तो साथ रहते हैं, लेकिन जब दोनों में डिफरेंट हो जाता है कि कोई बड़ा करोड़पति हो जाता है और एक दोस्त थोड़ा सुदामा जैसा रह जाता है, तो जो बड़ा हो जाता है वो सुदामा जैसे दोस्त को हेल्प नहीं करता है। लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो दोस्त है रहमान मुझे याद नहीं, लेकिन वो दोस्त उसका बहुत वफादार दोस्त रहा, और वो जब गुरुजी शास्त्री अपने मुख से
इतने बड़े हो करके भी एक अपने बचपन के दोस्त को कहानी जो सुनाते हैं तो वो गुरुजी का एक बच्चा बहुत बड़प्पन है। कोई अगर कोई जिसमें बड़प्पन नहीं होता है वो ऐसा कहानी नहीं सुनाता, क्योंकि अब गुरुजी के पद बहुत ऊंचा हो गया और विश्व में पूजनीय है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है। और उस टाइम वो अपने बचपन के दोस्त को याद करते हैं तब उस दोस्त के लिए भी गर्व की बात होगी, क्योंकि उसको भी ऐसा लगेगा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री करोड़पति है और वो आज विश्व में पूजनीय है और वो मेरा दोस्त है, तो उसको भी इतना गर्व होगा। हाँ, पहले जब उसकी परिस्थिति सब खराब थी धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तब उसने हेल्प की, वो भी एक बहुत बड़प्पन है, क्योंकि ऐसा दोस्त मिलना बहुत कठिन होता है। और गुरुजी ने खुद जब बताया कि उसकी बहन की लग्न प्रसंग था, तब लग्न प्रसंग में उसके पास पैसा नहीं था, तब जाकर के एक मुस्लिम दोस्त था जो शेख रहमान, उसने बिना सोचे 20,000 की सगवड़ता करके गुरुजी को दी और गुरुजी भी उसके जो एहसान किया उसको अभी भूले नहीं है और जीवन भर याद रखते हैं। दोस्तों, आपको भी अपने बचपन के दोस्त के साथ जो आपने हेल्प की है और आपको किसी ने भी हेल्प की हो और आपकी परिस्थिति जब सुधर जाए तब उस दोस्त को भूलना नहीं चाहिए। दोस्त क्या, कोई भी अगर आपका कोई संबंधी है, कोई रिश्तेदार है, तो भी जब आपकी कपड़ी परिस्थिति में आपको कोई मदद करता है तो आपको उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, आज को आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।